हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्कूटर्स। मैं लक्ष्य त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम लोग जो सेशन पढ़ेंगे वो संविधान पे ही चर्चा होगी। जैसे कि हम लोग जहां से कल का चर्चा किए थे, आज वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट, आपसे एक मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, एक मेरा अनुग्रह रहेगा कि हमारे वीडियोज़ को पूरा देखें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, वीडियो जो हमारे चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि मैं अभी क्या है, हम लोगों के पास काफ़ी रिसोर्स नहीं है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि और भी ज़्यादा रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल हो जाए। जैसे मैं चाहता हूँ स्टूडियो सेटअप वगैरह कर लूँ, तो जैसे जैसे हम मुझे आप लोग मोटिवेट करेंगे, वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, अपना सेटअप भी लगाएंगे या फिर मतलब फिक्स करेंगे। ठीक है, तो आज के हम लोग सेशन स्टार्ट करने से पहले दो लाइन मोटिवेशन कर लेते हैं, उसी के साथ हम लोग अपने सेशन को आज का अंजाम देंगे, यानी कि मतलब लास्ट मुकाम तक ले चलेंगे। पानी है मंजिल तो राहों का होना ही होगा, पानी है मंजिल तो राहों का होना ही होगा, कुछ पाने के लिए जिंदगी में कुछ तो खोना ही होगा, बिना संघर्ष किसे मिलती है कामयाबी यहाँ, तब तलक तो जिंदगी के बोझ को ढोना ही। और इसी के साथ हम लोग आज का जो सेशन है उस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि न्यू सेशन में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो हमारी सूची होती है कितने प्रकार की होती है, लगभग हमने कहा तीन सूचियाँ होती हैं। एक हमारी होती है संघ सूची, दूसरा होती है हमारी राज्य सूची और तीसरी हमारी आती है समवर्ती सूची। यानी संघ सूची पे कौन सरकार बनाता है, केंद्र सरकार संघ सूची पे सरकार बनाता है। राज्य सूची पे कौन सरकार बनाता है, राज्य सरकारें कानून बनाती है। और समवर्ती सूची पे कौन बनाता है, तो हमने पहले कल ही बता दिया था कि समवर्ती सूची पे वे लोग दोनों सरकारें बनाती है, बशर्ते लागू किस चीज का होता है, तो सिर्फ केंद्रीय सरकार का लागू होगा, मतलब कि जो स्टेट में है। क्यों मैंने कहा, क्योंकि मैंने पहले से बता रखा था कि जो पापा होते हैं ना, यानी जिसके मतलब कह लीजिए कि जो हेड होता है, सिर्फ बात उसी का माना जाता है, छोटे वाले का बात नहीं माना जाता है। मतलब मेरा है, कभी कभी विवाद होता है, विवाद के टाइम में बोला, जैसे मान लीजिए आपसी किसी चीज का, जैसे हमने कल बोला था ना कि एजुकेशन है, ठीक है, एजुकेशन सपोज दैट अगर है, और एजुकेशन पे क्या होता है, जब तक विवाद नहीं चल रहा है तब तक अपना स्टेट गवर्नमेंट अपना काम पॉलिसी निकालेगा, मतलब अपना कानून लागू करेगा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये अपना काम करेगा। लेकिन सपोज दैट कभी ऐसा टाइम आता है, एग्जांपल देता हूँ, अच्छा समझ में आ गया, जैसे मान लो माघ के मेला लगता है, माघ मेला लगता है, क्या उसको बोला जाता है, माघ मेले का नाम कुंभ होता है, कुंभ। अब ये देखो, जो कुंभ मेला होता है इस पे क्या होता है कि ये उत्तर प्रदेश में लगता है, उत्तर प्रदेश का कुछ राज्य जो है मध्य प्रदेश के राज्य में आ जाता है। जैसे मान लो ये 25 किलोमीटर का जो राज्य है ना, इधर का 25 किलोमीटर का, मैं समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, ये आपके 25 किलोमीटर किस में आ जाता है, एमपी में आ जाता है। तो एक चीज जरा बताना, अगर योगी जी कहेंगे कि भाई एमपी वाली सरकार को जरा 25 किलोमीटर तक किसी भी तरह का कोई भी नशा पताई मत बेचना, नशा पताई करने का मतलब है दोस्त जैसे कि वाइन वगैरह मत बेचना, क्योंकि उस टाइम में तो धार्मिक चीज चल रही है ना, तो उस टाइम में शराब मत बेचना। क्या कभी योगी जी का बात माना जाएगा एमपी में, क्या कोई भी सरकार रहे योगी जी की बात मानेगा एमपी में, मध्य प्रदेश में मानेगा, तो आप लोग कहोगे नहीं सर, यहाँ पे तो स्टेट गवर्नमेंट लागू की गई है और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ भी है, तो ये भैया अपना अपना बात मानेंगे, दूसरे का बात क्यों मानेगी। तो इस टाइम में, ऐसे टाइम में किस सरकार का बात लागू होता है, तो यहाँ पे ये भेजेंगे रिपोर्ट किसको, संसद में चला जाएगा और संसद इस पे कानून बनाकर भेजेगा कि नहीं भैया इतने किलोमीटर के दायरे में क्या होना चाहिए, किसी भी तरीके का कोई वादा बेचा नहीं जाना चाहिए, जिसके कारण यहाँ पे अब क्या होगा, किसका लागू हो गया, तो ये जो लागू हुआ इसको हम लोग कहते हैं अपशिष्ट, अपशिष्ट, अपशिष्ट कानून। ठीक है, अपशिष्ट कानून कहा जाता है। अपशिष्ट कानून में अपशिष्ट नहीं, अवशिष्ट होता है, अवशिष्ट कानून, अवशिष्ट कानून। ठीक है, मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अवशिष्ट को कट कर लेना एक बार, अवशिष्ट कर लेना। अवशिष्ट में क्या आता है स्टूडेंट, मैंने जैसे बोला ना कि इन तीनों लिस्ट में, यानी जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ संघ सूची, संघ सूची, ये हमारा हो गया संघ सूची, एक हमारा होता है राज्य सूची, ये हो गया हमारा राज्य सूची, एक हमारे आता है समवर्ती सूची, कौन सी सूची आती है, समवर्ती सूची। ये तीनों में अगर नहीं है, इन तीनों में अगर इसका कोई भी कानून नहीं बनता है, इसमें एक और इंक्लूड कर दिया जाता है जिसको कहा जाता है अवशिष्ट कानून या फिर अवशिष्ट सूची। क्या होता है, अवशिष्ट सूची। आशा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो आगे बढ़ते हैं।
अपने के जैसे कि हमने कहा कि आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने पे हम लोग देखेंगे अब भाषा के बारे में, यानी जो हमारी अगली बात होगी। हमने जैसे कि सात चीजों पे बात कर लिया, सेवन जो हमारे क्या बोले थे, इस सात हमारे क्या होते हैं, पहले सूचियां होती हैं। सात इंग्लिश में बोले तो सेवन हमारे क्या, सॉरी सेवन नहीं, अभी फिलहाल की बात करूँ तो बारह हो गए हैं, पहले क्या थे आठ थे सर। तो अभी मैंने सात के बारे में बात कर लिया है कि पहले में क्या होता है, दूसरे में क्या होता है, तीसरे में क्या होता है, ऐसे करके मैंने वन बाई वन बात कर लिया, ठीक है। अभी जो हम लोग बात करेंगे किसकी बात करेंगे, नंबर एट की। और नंबर एट में भैया आता क्या है, वो हमारा आता है भाषा, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हो, लैंग्वेज, एल ए जी यू ए जी। यानी देख लेना, अगर बाई चांस मीनिंग मिस्टेक होता है तो वो आप लोग सुधार लेना, ठीक है। अगर मीनिंग में बाई चांस कोई दिक्कत होती है तो आप लोग उसको सुधार लेना। अब देखो भाषा की बात करें, पहले भाषा कितनी थी, अब भाषा कितनी है। पहले कितनी भाषा थी भैया, तो पहले हमारी 14 भाषा थी, जबकि अब की अगर बात माने अब कितनी भाषा है, तो अभी फिलहाल मैं अब की बात कर रहा हूँ, वो भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, आपको ध्यान देना चाहिए कि अभी की भाषा जो है, मतलब मैं कह रहा हूँ संविधान के अनुसार, तो अभी कितनी भाषा है भैया, 22 है। यानी पता चला पहले कितनी थी, पहले कितनी थी 14, अब कितनी है, तो अब आपकी 22 है। मतलब जो आठवीं में आता है, आठवीं में भाषा की बात होती है, और भाषा में पहले जो भाषा थी हमारे, मतलब कह सकते हैं संविधान में, वो 14 थी, जबकि अभी हमारी 22 हो गई है। आपको एक नोट करने का एक पॉइंट है, जिसको नोट कर लो, बाबू नोट कर लो कि हमारी जो हिंदी होती है, सॉरी हिंदी नहीं बोलना चाहिए, उसे इंग्लिश बोलना चाहिए, हमारी जो इंग्लिश होती है और एक हमारा लैंग्वेज आता है भोजपुरी, ये दोनों लैंग्वेज को, यानी हिंदी और भोजपुरी, जो हिंदी और भोजपुरी लैंग्वेज है ना, इनको हम लोग संविधान में इंक्लूड नहीं किए हैं, बल्कि इनको हम लोग क्या मान लेते हैं, सहायक भाषा मान लेते हैं। कौन सी भाषा मानते हैं, सहायक भाषा मान लेते हैं, ठीक है। तो जब कब इसका इस्तेमाल किया जाता है, जब हमें किसी चीज की हेल्पिंग करने की जरूरत पड़े। हाँ, आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इंग्लिश को अभी मान्यता ज्यादा दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, इस बात पे मैं चर्चा करूंगा, लेकिन अभी की बात कर रहा हूँ कि संविधान के अनुसार क्या किया जाता है, कि हमारी जो इंग्लिश है, हमारी जो भोजपुरी है, इन दोनों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखा गया था, संविधान में नहीं रखा गया, बस अच्छे क्यों, क्योंकि इसको हम लोग कभी लैंग्वेज नहीं मानते हैं, ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, इसको हम लोग क्या मानते हैं, तो इसको हम लोग हेल्पिंग लैंग्वेज मानते हैं, ठीक है। इंग्लिश में, इंग्लिश वाले के लिए क्या होता है, ये हमारी हेल्पिंग लैंग्वेज होता है। ओके भैया, वचन मीनिंग का मिस्टेक है, मीनिंग अपना मिला लेना भैया, ठीक है। अगर थोड़ा सा मतलब बाई मिस्टेक होता है तो आप लोग अरेंज करना, मतलब एक बार कॉपरेट करना, हम लोग कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छे लिखे, हो सकता है अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो तो आप लोग प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स से कमेंट ऑल रहते हैं, कमेंट पे आप पिन कर सकते हो, जिस जगह से आपको समझ में नहीं आते वहां पे मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्या करूं, मैं रीडाइट करूं, मतलब फिर से आपको वीडियो बनाकर भेजूं, क्योंकि मेरा तो सबसे एक ही उद्देश्य है कि मेरे सब्सक्राइबर ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करें, हमने बता दिया आपको कि हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश और भोजपुरी लैंग्वेज होती है, ये हमारी हेल्पिंग लैंग्वेज होती है, यानी इसको सिर्फ हम लोग सहायक भाषा के तौर पर ही बात कर सकते हैं, बाकी हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं देते। एक और चीज मैं बताऊँ, आप लोग ये सवाल उठाओगे भैया ना कि इंग्लिश जो है भैया सर, या फिर इंग्लिश है जो भैया, या फिर भैया जो इंग्लिश हमारी है, इसको तो आज हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में लिख रहे हैं, या फिर मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं, भैया ऑफिशियल लैंग्वेज इसलिए है, बताता हूँ ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों है। एक बार क्या हुई थी, एक बार हम लोग क्या कर रहे थे कि हिंदी को हम लोग सोच रहे थे कि भैया क्या करें इसे राष्ट्रभाषा कर दे, कुछ तो महान इतने होते हैं, उनसे पूछिए कि क्या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लोग कहते हाँ है, कहाँ है भैया राष्ट्रभाषा, किसे कहोगे, जब आपकी भाषा 50% से एवं बोली जाती है आपके देश में, आपके यहाँ अगर 50% से अर्थात 50% से कोई भी लैंग्वेज ज्यादा बोला जाता है, तब तो बोलोगे ना कि ये राष्ट्रभाषा है, अरे भैया इसको तो राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है, तो तुम क्यों कहते हो कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, अगर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है तो इसको क्यों बता सकते हो कि ये हमारी क्या है, राज्यभाषा है भैया, ठीक है, राज्यभाषा है। इससे आगे मत बोलना कि मतलब ये मत बोलना कि ये राष्ट्रभाषा है, आज के बाद ये कभी मत करना। आपसे क्या होता है, आपसे एग्जामों में पूछ देता है कि हिंदी कौन सी भाषा है, राष्ट्रभाषा है, राज्यभाषा है, या फिर ग्रामीण भाषा है, तो आप उसमें करना राज्यभाषा है, इसको कितना भी मतलब कुछ भी मतलब लोग कहें, जैसे कुछ लोग होते हैं जो भरमाने के लिए, भ्रमित करने के लिए कह देता है कि राष्ट्रभाषा होता है, राष्ट्रभाषा मैंने बता दिया कि लगभग तभी कह सकते हो जबकि आपके देश में 50% से अधिक बोलने वाले लोग अवेलेबल हो, या फिर 50 से ज्यादा कर लो, 50 से कम कभी मत कहना, 50% से अगर ज्यादा होते हैं तब उन्हें करना, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बता दिया, ठीक है, हिंदी कब करोगे या फिर मतलब क्यों नहीं होता है। अब जानो कि आखिर हम लोग इंग्लिश को तो फिर ऑफिशियल क्यों मान लेते हैं, तो इंग्लिश भैया अभी हमारे यहाँ अगर मानोगे तो इंग्लिश जो है, इंग्लिश बोलने वालों की जनसंख्या ज्यादा है, हर स्टेट में देखो इंग्लिश को ज्यादा लोग प्रभुत्व देते हैं, और यही पे अभी नहीं दे रहे, जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का, अंग्रेज जो यानी कि ब्रिटिश जो थे अंग्रेजों ने क्या किया था, हमारे ऊपर जब गुलाम किया हुआ था, तो उस टाइम में अंग्रेज ने क्या कहा था कि इन्हें इंग्लिश पढ़ाओ। अच्छा, एक चीज जरा सोचो, उन्होंने क्यों कहा था कि हमें इंग्लिश, इन लोगों को इंग्लिश पढ़ाओ,
उन लोगों ने जब सबसे पहले भैया आया हुआ था तो हमें क्या सिखा रहा था, एक मिनट, हम लोग नाइन्थ आने से पहले मैं आपको लैंग्वेज का क्लासिफाई कर लेता हूँ, मतलब कह सकते हैं कि लैंग्वेज को कोशिश कर लेता हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ जाए, जैसा कि ये वीडियो हमारा लैंग्वेज के ऊपर ही होना चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर कहूँ कि जो हमारे ब्रिटिश थे यानी जो हमारे अंग्रेज थे, कोशिश करिएगा अच्छे से हमारा जो रिकॉर्ड वाला रिकॉर्ड हो ताकि बच्चों को समझ में आए या फिर मतलब भैया लोगों को समझ में आए। जो हमारे अंग्रेज थे भैया, अंग्रेज जब आए हुए थे हमारे ऊपर, यानी कि मान लीजिए ये भारत हमारा हो गया, अगर भारत पे जब इन्होंने क्या किया, कब्जा किया, यानी आपको पता होना चाहिए कि क्या, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते हो, जैसे कुछ लोग हैं जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के करते हैं, कुछ बिहार पुलिस के करते हैं, कुछ एसएससी जीडी के करते हैं, सब लोग तो मतलब तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो, तो एक चीज जरा बताना कि जो हमारा भारत था, भारत को क्या अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, क्या ऐसा हो सकता है कि इन्होंने गुलाम बनाया था? तो आप लोगों का क्या कमेंट होगा, नहीं भैया ये नहीं बनाए थे, तो बनाया कौन था भैया, एक छोटी सी कंपनी हमारे क्या बना दी, गुलाम बना दी, याद रखना कंपनी ही थी वो, क्या था वो, कोई मतलब किसको कहोगे कि वो कंपनी आया हुआ था, कंपनी आपके यहाँ व्यापार करने आया था ना, तो आपने व्यापार करने वाले को उतना क्यों छूट दे दिया कि वो हमारे ऊपर हावी हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज, जब आपका घर है, जैसे मान लीजिए ये आपका घर है, और घर में यदि आपके घर में विभीषण हो जाते हैं, क्या होता है उसका, विभीषण होता है ना, विभीषण, अगर आपके घर में विभीषण पैदा हो गए तो ये जान लीजिए आपका घर बर्बाद ही होगा, क्योंकि विभीषण को देखें, विभीषण क्या कर दिया, लंका को बर्बाद कर दिया। उसी तरीके से इंडिया में बहुत सारे विभीषण हुआ जिन्होंने इंडिया को बर्बाद कर दिया। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जो प्लासी का युद्ध रहा था, यानी जो सिराजुद्दौला के टाइम में युद्ध था, सिराजुद्दौला यानी बंगाल के नवाब की बात कर रहा हूं, अगर वहीं पे वो लोग हार जाते, यानी अंग्रेज यदि हार जाते तो हम लोग क्या हो जाते, अभी अच्छा कर रहे थे। आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि भैया इस जो देश था हमारा, जो भारत देश था, उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, मतलब गोल्डन बर्ड्स के नाम से जाना जाता था। तो फिर आखिर मतलब ऐसा क्या दुर्दशा आ गई कि इतना हमें चलना पड़े, तो यही था। तो वो सब आए हुए थे, तो अंग्रेज जब हमारे ऊपर मतलब कब्जा किया था, तो तभी इन लोगों ने कहा था इन्हें क्या पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ। क्यों पढ़ाओ भैया इंग्लिश, क्यों, क्योंकि भैया वो लोग हिंदी जन्म में नहीं करता था, वो इंग्लिश ही जानता था, इंग्लिश ही पढ़ना जानता था, हिंदी नहीं जानता था, और मतलब कहता रहता था इंग्लिश बोलता रहता था, कैसे बोलेगा भैया, नहीं बोल सकता है ना, तो उसी के कारण ये मतलब थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती थी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलो, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967, इसके तहत एक भाषा जुड़ गई जो कि सिंधिया थी। सिंधिया एक लैंग्वेज होता है भैया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंधिया, ठीक है, सिंधिया, क्या है, सिंधिया, ठीक है, ऐसा मुझे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अच्छा एक चीज देखो, अब बात आती है कि भैया ये संविधान में जोड़ा गया, ये हमारे किस में जोड़े गए थे, संविधान में। एक चीज में रहे भैया लोग, आप लोगों को अभी जो मैं पढ़ाता हूँ, अभी सिर्फ समझाता हूँ, मैं किसी भी तरीके का कोई लिखावट नहीं करता, लिखता नहीं हूँ, सिर्फ समझाने के लिए लिखा हूँ, ठीक है। अगर आप किसी को भी पीडीएफ के लिए जरूरत है, मतलब पीडीएफ चाहिए कि सर लाइन बाय लाइन जो लिखे वो दे दीजिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपको यथाशीघ्र क्या किया जाएगा, आपको पीडीएफ प्रदान किया जाएगा, ठीक है, देख लेना। और मतलब इससे भी कह सकते हैं कि अच्छा से अच्छा हम लोग बताने की आप लोगों को कोशिश करेंगे, ठीक है, आप लोग हमारे चैनल से इसी तरीके से लगे रहिए, ठीक है। तो जो सिंधिया है, ठीक है, सिंधिया कब जोड़ी गई थी और किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ी गई थी। अब आप लोग ये भी कहोगे कि भैया आपने अमेंडमेंट क्या बोल दिया, अमेंडमेंट क्या बोल दिया, अमेंडमेंट क्या होता है भैया, अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, क्या होता है भैया, संशोधन होता है, ठीक है, इसका हिंदी जो होता है अमेंडमेंट का संशोधन होता है, ओके। तो अब देखो जो सिंधिया हमारी थी कब जोड़ी गई थी, 21 यानी जो 21वां था, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत हमारा ये लैंग्वेज 1967 के CCA यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ये क्या हुआ था, हमारे सिंधिया जोड़ी गई थी। किस चीज में भैया सिंधिया जोड़ी गई थी, तो हमारे संविधान में जोड़ी गई थी, याद रखना किसमें जोड़ी गई थी, हमारे संविधान में जोड़ी गई थी। फिर से आता है भैया, हमने जैसे बोला ना कि 14, याद रखना पहले मैंने क्या बोला था, 14 लैंग्वेज पहले से था और एक सिंधिया को जोड़ दिया, कितने लैंग्वेज हुआ भैया, 15, यानी कि हमने कहा कि अभी 22 है, यानी अभी भी तो 7 लैंग्वेज है ना, अभी 7 लैंग्वेज तो कम पड़ रही है यहाँ पे, तो मैं 7th लैंग्वेज को और बताता हूँ कि 7th लैंग्वेज में 71 अमेंडमेंट जो था, यानी 71वां संविधान संशोधन 1982 में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, एक था कोंकणी, एक था मणिपुरी
और एक थी हमारी नेपाली, यानी आशा हूं इसको भी लिख देता हूं ये लोग। 71 था, कौन सा अमेंडमेंट था? 71 अमेंडमेंट था। और ये कितने ईस्वी में हुआ था? तो 1900 कितने में हुआ था सर? ये 82 में हुआ था, मतलब 1982 में हुआ था इसका अमेंडमेंट। कितनी भाषा इसमें जोड़ी गई थी भैया लोग? तीन भाषा। कितने लैंग्वेज? तीन लैंग्वेज। कौन कौन सी लैंग्वेज थी इसमें? अगर इसकी बात करूं कि कौन कौन सी लैंग्वेज इसमें आती थी, तो एक हमारी आती थी कोंकणी। कौन सी आती थी? कोंकणी। कोंकणी आ गई। एक हमारी दूसरी आती थी मणिपुरी। कौन सी आती थी? मणिपुरी। मणिपुरी, कुछ लोग पूरी लिखता है, कुछ लोग पूरी लिखता है, आप लोग समझदार हो, ठीक है? एक ही चीज है, अलग अलग नहीं। और तीसरी जो लैंग्वेज हमारी आती थी नेपाली आती थी। कौन सी लैंग्वेज आती थी भैया? नेपाली आती थी, ठीक है? तो अब यहाँ तक देखो, 21 अमेंडमेंट यानी 21वां संविधान संशोधन 1967 से कौन सी भाषा जोड़ा गया था? सिंधिया, यानी सिंधिया जोड़ा गया। 71वां 1982 अमेंडमेंट के तहत कौन सा संविधान में भाषा जोड़ा गया? तो भैया उस टाइम में तीन भाषा जोड़ा गया। कौन कौन सी भाषा जोड़ा गया था भैया लोग? कोंकणी, मणिपुरी और कौन सी? नेपाली। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, हमने कहा 14 पहले से 14 थी, 14 एक 15, 15 एक 16, 17 और 18, यानी अभी तक हमारी कितनी लैंग्वेज हुई भैया लोग? 18, यानी अभी भी कम लैंग्वेज है, अभी भी क्या है हमारी? कम लैंग्वेज है। अब देखिए 2009 की जो अमेंडमेंट आएगी, यानी जो 2009 में भाषाएं जुड़ेंगी वो कितनी जुड़ी गई है? तो उसमें चार भाषा हमारी जुड़ी जाती है। अब ये यहाँ पे लिख देता हूँ, चार भाषा, चार लैंग्वेज, ठीक है? इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज आएगी ये देखना। चार लैंग्वेज में सबसे पहले तो जानो कि ये किस अमेंडमेंट के तहत जुड़ी गई थी? 92 अमेंडमेंट 2009। कितने में जुड़ी गई थी? 92, ये 9 है भैया लोग। 92 संविधान संशोधन, मैंने कहा 92 संविधान संशोधन 2009 में कितनी भाषा जोड़ी गई थी? तो चार जोड़ी गई थी। अब कौन कौन सी भाषा थी ये भी देख लो, कौन कौन सी भाषा थी? तो देखो बोडो, बोडो या डोगरी, बोडो डोगरी, ये मत कहना सर, ये सर नाम क्या बता रहे हो? मुझे ये नाम है, मैं नाम बता रहा हूँ, मैंने कोई अपने से यहाँ पे लाकर इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है? ये सभी क्या है? नाम है भैया, इसको लिखना जरूरी है। नहीं लिखते हो मैंने कहा मेरे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करना, मैं आपको एज इट इज प्रोवाइड करा दूंगा हैंड रिटन नोट्स, ठीक है? बोडो है, डोगरी है और कौन सी लैंग्वेज है भैया? मैथिली है, यानी अगला जो हमारा लैंग्वेज आता है वो कौन सी है? मैथिली। और क्या है इसमें अगर ऐड किया जाए, जैसे कि हमने कहा ना कि चार से पांच जोड़ी गई थी, बोडो हो गया, डोगरी हो गया, मैथिली हो गया, और क्या हो सकता है? संथाली है, संथाली, क्या कौन सी लैंग्वेज है? संथाली लैंग्वेज है, ठीक है? आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, मतलब अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है? और अगर राइटिंग अच्छा नहीं पड़ता है, नहीं समझ में आता है, आप हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें मैसेज करो, हम लोग कोशिश करेंगे जितना ज्यादा हो सके यथाशीघ्र उसको सॉल्यूशन देने की कोशिश की जाएगी, ठीक है? अब देखिए हमारी भाषा में अंग्रेजी भाषा, भोजपुरी भाषा नहीं शामिल है, क्योंकि यह सहायक भाषा है। इस बात पे मैंने पहले ही चर्चा कर दिया था, जिसको भी समझ में नहीं आया फिर से एक बार सुन ले। हमारी भाषा में, हमारे संविधान की भाषा में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में किसी भी तरीके का इंग्लिश भाषा या फिर हिंदी भोजपुरी भाषा का जिक्र नहीं किया गया है, अन्यथा ये सब दोनों भाषाओं को नहीं लिया गया है, ठीक है? इसका सिर्फ हम लोग सहायक भाषा यानी कि हेल्पिंग लैंग्वेज के नंबर पे हम लोग लेते हैं, मतलब हेल्पिंग लैंग्वेज के आधार पर हम लोग करते हैं, ठीक है भैया? तो ये हमारे क्या हुए, सिर्फ लैंग्वेज की बात हुई। अब हम लोग क्या करेंगे भैया लोग, जो हमारे शेड्यूल है, अगले शेड्यूल नंबर 9 जो है उसको हम कल लेकर आएंगे। आज की जो चर्चा रहेगी इतने में ही रहेगी। तो आज की जो हमारी चर्चा है, मतलब ये एक तरह से कह लीजिए कि पूर्ण तरह से क्या है हमारी लैंग्वेज है, LANGUAGE होता है, ठीक है? ये हमारे पूर्ण क्लास किस पे है? वॉलीफर लैंग्वेज पे है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग लाएंगे उसमें क्या लाएंगे उसको देखा जाएगा, लेकिन मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ हम लोग जो संविधान के अभी चल रहे हैं लेकर, इस रेखा को लेकर चल रहे हैं, वो हमारी कंटिन्यू रहेगी, एक के बाद एक दूसरा आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको जो वीडियोस है इधर उधर करके दिया जाए, ठीक है? हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराए, जो कंटेंट है उसको हम लोग प्लेलिस्ट के रूप में भी भेजा जाएगा, मतलब आप लोगों को कोशिश किया जाएगा। देखिए एक चीज मैंने कहा, हमारे पास उतने रिसोर्स नहीं है जिससे कि मैं क्या कर सकूं आपको अच्छा से अच्छा प्रोवाइड कर सकें। अभी आप लोग हमें कुछ सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट की आवश्यकता है, उस सपोर्ट के साथ हम लोग क्या करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे मतलब सेटअप में हम लोग पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, हमारे वीडियोस को पूरा देखना, हमारे वीडियोस को एक लाइक कर देना, दो चार दोस्तों को शेयर कर देना और हमारे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।